एक दिन एक कछुआ नदी के किनारे टहल रहा था और वह टहलते टहलते आसपास का नज़ारा देख रहा था। तभी वहाँ से एक बैल दौड़ते दौड़ते आता है और उसे जोर से धक्का देता है और कछुआ वहीं बेचारा पलट जाता है। अब वो बैल चला जाता है और कछुआ वहीं उल्टा पड़ा रहता है। अब उसे कोई सीधा करे तब वो सीधा हो, अब करे तो क्या करे, वो सीधा नहीं हो पा रहा था। तभी एक लोमड़ी आई और कछुआ को दूर से ही उल्टा देख मन ही मन खुश हो जाती है और सोचती है कि अरे वाह, आज तो बहुत ही अच्छा मुझे भोजन मिलने वाला है। और जाके वह कछुआ के पास खड़ी हो जाती है और कछुआ से पूछती है, अरे तुम तो आज उल्टे हो गए और तुम तो मेरे मुंह के आहार बनोगे आज। तभी कछुआ बोलता है कि हाँ, मैं जान रहा हूँ कि आज तो मैं तुम्हारा आहार बनने वाला हूँ। और उस समय बहुत ही तेज धूप रहती है जिसके कारण कछुआ का ऊपर का हिस्सा बहुत ही गर्म हो जाता है और जैसे ही लोमड़ी खाने के लिए जाती है और उसका ऊपर का हिस्सा चाटती है, वह गर्म के मारे उसका जीभ जल जाता है और वह हाँफने लगती है। तभी वह कछुआ से बोलती है, अरे बाप रे, तुम्हारा तो ऊपर का हिस्सा बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसको मैं कैसे खाऊंगी। तभी वह कछुआ बोलता है कि हाँ, सूरज दादा आज बहुत ही तेज प्रकाश में है जिसके कारण गर्म हो गया है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम वैसा करोगे तो तुम मुझे आसानी से खा लोगे। और कछुआ वहीं पर अपना दिमाग लगाता है और लोमड़ी को बोलता है, तुम मुझे पानी में डाल दो और मैं ठंडा हो जाऊंगा पानी से, फिर इसके बाद तुम मुझे खा लेना। और लोमड़ी उसे पानी में डाल देती है कछुआ को। और कछुआ बोलता है, अरे मूर्ख लोमड़ी, तुम्हें नहीं पता कि मैं कछुआ हूँ और पानी मेरा घर है, मुझे इससे कोई नहीं निकाल सकता। और लोमड़ी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कछुआ अपनी समझदारी से अपनी जान बचा लेता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सूझबूझ से अपनी रक्षा की जा सकती है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।